हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका शोर सक्सेस अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जी के बहुत आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, और अब हम बात करेंगे ग्वालियर अंचल के मेले। मध्य प्रदेश के मेले हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछले दो वीडियो में मेले की भेज चुका हूँ, तीसरा वीडियो है हमारा जिसमें हम देखेंगे ग्वालियर अंचल के मेले। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और पुराने सारे वीडियो ट्रिक के साथ आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो देर मत करिए, YouTube पे लिखिए श्योर सक्सेस अकेडमी, सब्सक्राइब करने के साथ प्लेलिस्ट में जाइए। सारे वीडियोस 40 से ज़्यादा वीडियो मैं आपको भेज चुका हूँ, उनको देखिए और देखने के साथ नोट्स बनाइए और इन्जॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्वालियर अंचल के मेले। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर के मेले, तो देखिए कौन कौन से मेले हैं पहले याद कर लेंगे, फिर ट्रिक मैंने यहीं पर लिखी हुई है। आप नोट्स बनाएँ तो ट्रिक भी आप इसी प्रकार से साथ में लिख लिया करें। हीरा भूमिया का मेला, कृषक मेला, व्यापारी मेला, शीतला माता का मेला और उर्स ख्वाजा। उर्स का मतलब भी मेला ही होता है। अब देखिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है, कृषक और हीरे का व्यापारी शीत ऋतु में माता के साथ ख्वाजा के उर्स में गए। एक महिला है, एक माता जी, उनके दो पुत्र हैं, एक तो किसान है और एक हीरे का व्यापारी है। तो हीरा भूमिया का मेला कृषक मेला, व्यापारी मेला। तो कृषक और हीरे के व्यापारी, कृषक से आएगा कृषक मेला, हीरे से आ जाएगा हीरा भी भूमिया मेला और व्यापारी से आ जाएगा व्यापारिक मेला। तो कृषक और हीरे का व्यापारी शीत ऋतु में मतलब शीतला माता के साथ, मतलब शीतला माता शीत ऋतु में ठंड के मौसम में माता के साथ ख्वाजा के उर्स में गए या ख्वाजा के मेले में गए। आंखें बंद करिए, 8-10 बार बोलिए, आपको सारे 5 मेले याद हो जाएंगे। कि कृषक, किसान, पूरी रियल वर्ल्ड ट्रिक बता रहा हूँ, किसान और उसका भाई हीरे का व्यापारी ठंड के मौसम में अपनी माता जी को घुमाने के लिए ख्वाजा जी के उर्स में गए। ख्वाजा जी कहाँ पे हैं, अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। चलिए आगे बात करते हैं भिंड की बात करते हैं। भिंड में दो मेले लगते हैं, नौ देवी का मेला और रावतपुरा का मेला। तो देखिए नौ देवी में नौ हटा दो और रावतपुरा में रा हटा दो, तो क्या होगा नौरा, और भिंड को कर दो भीड़। तो ट्रिक क्या होगी, भीड़ बुलाने के लिए नौरा करना पड़ता है, भीड़ को बुलाने के लिए लोगों का नौरा करना पड़ता है। नौरा मतलब उनके आगे पीछे दौड़ना पड़ता है। आपने देखा होगा किसी बड़े नेता का जो है, अगर कोई भाषण हो, है ना, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, तो भीड़ बुलाई जाती है ज़बरदस्ती बसों में भरवा के, तो उनके लिए नौरे करने पड़ते हैं। उनको बोलेंगे भाई तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें चाय पिलाएंगे, तुम्हें नाश्ता कराएंगे, तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे, वापस छोड़ के आएंगे, कुछ नहीं करना है, बस वहाँ जाके खड़े होना है। तो समझ में आ रहा है, भीड़ बुलाने के लिए नौरा करना पड़ता है। नौ मतलब नौ देवी और राम मतलब रावतपुरा का मेला। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बात करते हैं गुना में केवल एक मेला याद रखना है आपको, कौन सा, तेजा जी का मेला, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तेजा जी का मेला गुना। अब तेज का मतलब क्या होगा, तेज का मतलब बहुत तेज, मतलब कई गुना, है ना, एक तो बोल रहे हैं बारिश हो रही है और एक बोल रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है, मतलब कई गुना बारिश हो रही है, ठीक है। तो देखिए क्या इसकी ट्रिक बन जाएगी, एक तो गुना है और एक तेज है, तो तेज कई गुना होता है, तेज का मतलब इट इज़ मल्टीपल ऑफ मेनी टाइम्स, है ना, बहुत बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तेज होगा, तो तेज का मतलब कई गुना होता है। आगे बात करते हैं अशोकनगर में दो मेले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से दो मेले, एक है जोगेश्वरी का मेला, एक राई नृत्य मेला, जोगेश्वरी का मेला और राय नृत्य मेला, ये दोनों अशोकनगर में। तो देखिए कैसे अपन ट्रिक याद रखेंगे, राय नृत्य है ना, तो राय नृत्य है ना, राय एक नाच है, राय नृत्य देखकर अशोक जागेगा, अशोक को सुस्ती आ रही है ना, जब जनरली आपको अगर सुस्ती आ रही है, सुस्ती जनरली कब आती है अपन को, जब अपन वो काम करते हैं इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग काम, जैसे पढ़ाई में जनरली आपने देखा होगा नींद आने लग जाती है, तो फिर क्या करते हैं हम, मूड फ्रेश करने के लिए चाय पीते हैं या टीवी देखते हैं या मोबाइल उठा लेते हैं, है ना, तो अपन एकदम जाग जाते हैं ना, हमारी सुस्ती गायब हो जाती है। जनरली मोबाइल उठाने के बाद तो आप 2 दिन नहीं सोओगे तो भी आप जाग जाओगे। तो देखो जोगेश्वरी का मेला, राय नृत्य का, तो राय डांस देखकर अशोक जागेगा, राई डांस देखकर अशोक जागेगा। अशोक को नींद आ रही है, तो अशोक सम्राट, अशोक पुराना व्यक्ति है, तो वो नए अभी तो भाई हिप हॉप डांस तो देखेगा नहीं, वो राई नृत्य ही देखेगा और उसके बाद जाग जाएगा। तो समझ में आ रहा है, ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी। आगे बात करते हैं शिवपुरी में आपको तीन मेले याद रखने हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं, पीर बुधान का मेला, सिद्धेश्वर मंदिर का मेला, बाण गंगा का मेला, ठीक है। चलिए कैसे याद करेंगे इसकी कोशिश करते हैं अपन,
देखो पीर किसे बोलते हैं, जो पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, जो सिद्धि व्यक्ति हो, पंडित टाइप का व्यक्ति हो, संत टाइप का व्यक्ति, जिसने पूरा जीवन अपना काय में दे दिया हो, भगवान की भक्ति में दे दिया हो ना, उसको जो है उर्दू में पीर बोलते हैं और उधर संत बोलते हैं। तो पीर बुधान का मेला, तो पीर सिद्धि करेंगे, पीर का काम ही सिद्धि है ना। जैसे महावीर स्वामी हैं, है ना, ये लोग अपन बोला जाए तो संत थे, और उसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, पीर। तो सिद्धि प्राप्त की उन्होंने, है ना, किसी वृक्ष के नीचे, किसी चट्टान पे खाना पीना सब त्याग की, इसीलिए वो भगवान के लाए। तो पीर सिद्धि करेंगे, पीर सिद्धि करेंगे, है ना। उसके बाद क्या, बाण गंगा का मिला, गंगा में बाण चला के, ठीक है, पीर क्या करेंगे, है ना, पीर सिद्धि करेंगे, भगवान को राजी करेंगे, शक्ति हासिल करना चाहेंगे, पीर सिद्धि करेंगे, गंगा नदी में बाण, गंगा पवित्र नदी है तो पवित्र काम कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करना, तो पीर सिद्धि कर रहे हैं गंगा में बाण चला के, ठीक है, और शिव को प्राप्त करेंगे। जब सिद्धि पूरी हो जाएगी तो भगवान शिव उनके सामने प्रकट होंगे और बोलेंगे तुम्हारी क्या इच्छा। आपने देखे होंगे पुराने सीरियल महाभारत वगैरह रामायण, उसमें ये होता ना, कोई व्यक्ति, कोई पंडित है या कोई पीर है, वो क्या करता है, सिद्धि करता है, फिर जब उसकी सिद्धि सफल हो जाती है तो भगवान स्वयं आते हैं और उसको क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तू क्या मांगना चाह रहा है, समझ में आ रहा है। तो पीर सिद्धि करेंगे तो गंगा में बाण चलाएंगे तो उन्हें भगवान शिव प्राप्त होंगे, और भगवान शिव प्राप्त होगा उसके बाद तो जो चाहे उनसे मांग सकते हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए। थोड़ा सा काम है ना, इसमें कोई आपका नेट लगता नहीं। अगर आपको लगता है कि वास्तविकता में मेहनत हो रही है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, इनको सिर्फ लिखना नहीं होता, इनकी ट्रिक खुद से बनानी होती है, फिर आपके सामने बेस्ट ट्रिक आपके सामने रखनी होती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो बड़ी मेहनत लगती है। तो मैं इतना सा आशा चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप लोगों को जोड़ भी नहीं पा रहे तो आप इसको पूरे को नोट्स बना लें, जैसे मैं आपको बना के पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बनाने, और नोट्स बनाने के साथ अगर आप हो सके तो अगर मुझसे जुड़े हैं तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजें ताकि मैं उसको अपने स्टेटस पर डालूँ, ताकि बाकी लोग भी आपसे मोटिवेट हों। बस यही उद्देश्य होता है मेरा स्टेटस पर डालने का, कि बाकी लोग भी जो है नहीं बना रहे वो भी नोट्स बनाने लग जाए, धीरे धीरे करके तैयारी करें, क्योंकि एक दिन में याद नहीं होंगे, है ना, परीक्षा जब आ जाएगी तो। चलिए बात करते हैं, मुरैना में दो मेले याद रखना है, नागा जी का मेला और सती माता का मेला। तो देखिए, नागा जी का ना ले लो और सती का सा ले लो, तो क्या हो गया, नाश, मेरा नाश हो गया, नाश। और मुरैना का मुरे ले लो, मुरे नाश हो गया, मुरा नाश हो गया, मतलब मेरा नाश हो गया। नागा जी का मेला, सती माता का नाश, नाश किसका हो गया, मेरा नाश हो गया, तो मुरे नाश हो गया, तो मुरैना में क्या आ जाएगा, नागा जी और सती माता। चलिए आगे बात करते हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण दतिया। दतिया में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेले याद रखने। कैसे याद रखेंगे, पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। पीताम्बरा पीठ का मेला महत्वपूर्ण है, बड़ौनी का मेला, डडान भगवान का मेला, सोनगिरी का मेला, सनकुआ का मेला, रामलीला का मेला, उनाव का मेला, रतनगढ़ का मेला और नेकोरा का मेला, और ये है दतिया में, ठीक है। तो अब देखिए कैसे याद रखेंगे, पीताम्बरा पीठ का मेला, तो पीताम्बरा से ले लो पीता, बड़ौनी से ले लो बड़े, डडान से ले लो डॉन, पिता बड़े डॉन हैं, समझ में आ रहा है। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। पीताम्बरा पीठ का मेला, बड़ौनी का मेला, डडान भगवान का मेला, पीताम्बरा का पिता, बड़ौनी का बड़े, और डॉन मतलब डॉन, पिता बड़े डॉन है ना, भयंकर पिता, बहुत बड़े डॉन है, चलती उनकी सब, पुलिस सब डरते हैं उनसे, पिता बड़े डॉन है, ठीक है। सोनगिरी का मेला, सनकुआ का मेला, रामलीला का मेला, सोने के कुएँ हैं उनके, अरे बाप रे बाप, पूरे पूरे कुएँ भरे हुए हैं, कुएँ में पानी होता है लेकिन उन्होंने सोना भर रखा है। पीताम्बरा पिता, बड़ौनी बड़े, डॉन डॉन पिता बड़े डॉन है, सोनगिरी सनकुआ सोने के कुएँ हैं उनके, ठीक है। रामलीला देखो, लेकिन भगवान की लीला तो देखो, रामलीला देखो, उनका तन उनाव, उनका मतलब उनाव, तन मतलब रतन, उनका तन कोरा है, नेकोरा है, मतलब एक सोने की अंगूठी नहीं मिलेगी आपको, है ना, एक सोने की घड़ी नहीं मिलेगी। अरे यार, जिसके पास पूरा भर के कुआ भर के सोना है, वो तो चाहे तो सोने के बिस्तर पे सो सकता है, सोने की ईंटें बनवा सकता है, सोने का घर बना सकता है, लेकिन रामलीला देखो, इतने जो है बिल्कुल सिंपल व्यक्ति है कि एक सोने की उनके पास अंगूठी नहीं है ना। तो देखिए, पिता बड़े डॉन हैं, पीताम्बरा बड़ौनी डडान, सोने के कुएँ हैं उनके, सोनगिरी सनकुआ, लेकिन रामलीला देखो, रामलीला उनका तन उनाव, तन रतनगढ़, कोरा है, नेकोरा। इसको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी नो आप याद नहीं रख सकेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैंने इस वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में आपको 24 मेले बताया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़
सबसे पहले खुद लोगों को जागृत करने से पहले खुद अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ उन्हें याद करिए, याद करने के बाद जो है जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसमें पार्टिसिपेट करिए, डरिए मत, ताकि इससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।